आज मैं आपके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। और इन सेंटेंसों को बनाने के लिए क्या पहचान है इनकी, कैसे इनको बनाएंगे और क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या इनके उदाहरण है, आज वो समझेंगे। तो हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरे हो जाएंगे। देखिए, इसकी जैसे और की पहचान थी, ये दो प्रकार के हैं। पहला है फर्स्ट टाइप और दूसरा है सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप की जो पहचान है वो क्या है, इनमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा। जो फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं उन सभी की ये पहचान है कि उनमें क्या शब्द आता है, बस केवल क्या शब्द आता है शुरू में। तो अब इसमें हम जो है सबसे पहले विल या सेल का प्रयोग करेंगे। विल या सेल का प्रयोग, विल का प्रयोग तो हम जो है सभी कर्ताओं के साथ करते हैं, लेकिन सेल का जो प्रयोग है वो हम केवल आई और वी के साथ, जब सब्जेक्ट में आई, आई मीन्स मैं आ जाए शब्द में, और वी आ जाए, वी मीन्स हम आ जाए, तब हम सेल का प्रयोग करेंगे। वैसे इसमें सेल बी और विल भी दोनों लगते हैं, लेकिन बी का प्रयोग हम बाद में करेंगे। देखें तो इन वाक्यों में शुरू में आएगा क्या, उसके लिए हम विल या सेल लगाएंगे। उसके बाद में जो बी का प्रयोग है वो हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, जो सब्जेक्ट आएगा हमारा। फिर इसकी सेकंड की पहचान है, इन इनमें जो है प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कहां, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जिनको बनाने के लिए सबसे पहले हम उनके अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखेंगे। जैसे क्या आया है, कब आया है, क्यों आया है, तो इनकी जो अंग्रेजी होगी वो वाक्य के शुरू में लिखेंगे। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है हमारा, वर्ड ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा जो है क्यू डब्ल्यू मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी। उसके बाद हमारा विल या सेल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, नोट के तुरंत बाद भी लगाएंगे यदि वाक्य नकारात्मक है, तब यदि नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में भी आ जाएगा। फिर हमारा है ऑब्जेक्ट, लास्ट में ओडब्ल्यू, और सबसे एंड में जो है हम पर्सन वाचक शब्द चिन्ह लगाएंगे जिससे हमारी पहचान होती है। अब इसके उपलक्ष्य में इसके उसमें हमने जो है दो सेंटेंस दिए हैं उदाहरण के तौर पर। देखें, पहला है क्या वह कमरे में होगी, क्या वह, तो यहाँ पर क्या शब्द आ गए शुरू में, इस क्या के लिए हमने शुरू में लगाया विल। तो विल सी बी, बी लगाया सब्जेक्ट के बाद, विल सी बी इन द रूम, और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जो सेंटेंस है फर्स्ट नंबर का, ये फर्स्ट इंटरोगेटिव है, यानी फर्स्ट टाइप का। दूसरा है राधा कमरे में क्यों नहीं होगी। अब इसमें बीच में आ जाइए प्रश्नवाचक शब्द जो जितने भी हमारे उनमें से कोई शब्द बीच में आ गए, तो वाई विल राधा नॉट बी इन द रूम। तो हमने क्या किया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम शुरू में लाए हैं, उसके बाद हमने फिर विल से शुरू किया सेंटेंस। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट एक वचन है, नोट लगाया है, नोट के तुरंत बाद बी है, फिर इन द रूम। तो इस तरीके से जो है ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो है खास बात है जो पहचानने वाली या समझने वाली, वो है जब वाक्य सेंटेंस में मतलब जब सेंटेंस में जो है कर्ता एक वचन होगा, एक वचन मीन्स आई और वी को छोड़कर, आई और वी ये दो ऐसे हैं सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम सेल बी का प्रयोग करते हैं, और बाकी इन दो को छोड़कर हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बी जो है या तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है या फिर वो नोट के बाद आता है, यदि सेंटेंस के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटरोगेटिव समझे थे। अब हमने जो है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों तरह के जो इंटरोगेटिव थे, तीनों तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे वो बन चुके हैं। कल की वीडियो में हम हैज हैव हैड के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे, और जब ये पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, तीन टेस्ट रखूंगा लगातार। तो उन वो टेस्ट होंगे बच्चों के मिक्स सेंटेंस के लेकर, और थोड़ा अलग अलग तरीके से कि बच्चे किस तरीके से सीख पाएंगे, तो वो टेस्ट जरूर करना, और लगातार तीन दिन टेस्ट होंगे, तो उसके लिए वीडियो बनेगी, तो तब उनको जो है बच्चे बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।